अंबुजा सीमेंट कंपनी के अनिश्चितकाल के लिए बंद होने से WHRS प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे 200 बाहरी राज्यों के कामगारों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। इन कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है, यही वजह है कि अब इन्हें हड़ताल करने को बाध्य होना पड़ा है। यह सभी प्रवासी कामगार ठेकेदार के पास काम करते हैं। इनकी माने तो ठेकेदार ने उन्हें नवम्बर व दिसम्बर माह की सैलरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बिना पैसे के भूखे पेट रहने की नौबत आ गई है। उनका कहना है कि पैसों के बिना राशन, सब्जी व अन्य जरूरी वस्तुओं को लेने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि इन सभी के लिए पैसे की जरूरत होती है और साथ ही हम सबके पास किराए को देने के लिए भी पैसे नहीं है। मजदूरों ने कहा कि जब हम अपनी मेहनत की मजदूरी के पैसे मांगते हैं तो ये टाल मटोल करते हैं। अगर इनसे पैसे के लिए जबरदस्ती करें तो हमें धमकी देते हैं कि पुलिस को बुलाकर लाठीचार्ज करवा देंगे। उन्होंने कहा कि वे सभी अलग अलग राज्यों से यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं, पर समय से सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगे। मजदूरों ने कहा कि ठेकेदार कह रहा है कि अंबुजा कंपनी से अभी पैसे नहीं आया है, जिसके चलते सैलरी देरी से आएगी। मजदूरों ने कहा कि सभी मजदूर निजी कंपनी के सीमर कंस्ट्रक्शन के तहत कार्य कर रहे थे, उन्हें यह नहीं मालूम कि पैसा कौन देगा। मजदूरों ने एक स्वर में कहा कि उन्होंने सीमर कंस्ट्रक्शन में काम किया है और पैसा भी उनसे ही चाहिए। मजदूरों ने कंपनी प्रबंध व सीमर कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मेहनत की मजदूरी उन्हें नहीं दी गई तो उन्हें मजबूरन उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंध व प्रशासन की होगी। नमस्कार भाइयों, हम लोग यहाँ यूपी, बिहार और झारखंड और पंजाब कई प्रांतों का हम लोग वर्कर है, गरीब परिवार के रहने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग को आज 10 दिन से कंपनी वाले ने काम बंद करा दिया और पैसा मांगने पर बोलता है कि आज देंगे कल देंगे। ये सब समस्या हम लोग के ऊपर है। खाने का भी पैसा नहीं दे रहा है, रूम वाला भी पैसा मांग रहा है, राशन वाला भी पैसा मांग रहा है। ऐसे में हम लोग कहाँ से देंगे, और हम लोग स्टाफ लोग से कंपनी से पैसा मांगते हैं तो बोलता है कि आज देंगे कल देंगे। ऐसे में हम लोग कुछ बातें करते हैं तो बोलता है कि तुमको लाठी चार्ज करेंगे, ये करेंगे, ये वे करेंगे, थाना में तुमको अभी फोर्स बुला देंगे, पुलिस वाले को बुला देंगे, पुलिस वाले से लाठी गिरवाएंगे, यहाँ से भाग जाओ, आज देंगे कल देंगे। यही सब समस्या चल रहा है और ये कंपनी वाले खाली वर्कर का तसल्ली दे रहा है कि आज पैसा देंगे कल पैसा देंगे, यही सब हो रहा है। हम लोग हजार हजार किलोमीटर से कोई यूपी, बिहार और झारखंड और पंजाब से सभी बंदे आए हैं, गरीब परिवार के रहने वाले हैं। ये सब 200 वर्कर है, 2-4-10 वाला नहीं है, ये सब अदानी है, अंबुजा है और इसमें काम लेने वाला सीमर कंपनी है। हाँ, यही सब हम लोग का चल रहा है। नमस्कार जी, असी सीमर दे वर्कर हैं जी। हाँ जी, सीमर दे वर्कर हैं। सानू 11वीं दी ते 12वें महीने दी पेमेंट नहीं दे रहे, सानू बिना नोटिस दिते इन्होंने प्लांट चो बाहर करता है। ना साडे कोले खाण नू राशन है, राशन वाला राशन नहीं दे रहा, ना साडे कोले जेब च पैसे है जी, ना रूम च घरे जाण नू किराया किसे कोले। ठीक है, सारे मेरे भैन भरा इत्थे वीर वेरे खड़े है, सारयां नू बेनती है कि गेट ते खड़ना है, धरना देना है, फिर ही पैसे मिलने। आपां न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।